मोदी बन सकते हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री। भरे मंच से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कही ये बात। उत्तर प्रदेश के फूलपुर में सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जनसभा की। उन्होंने मंच से सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपने कभी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तो कभी जनता दल तो कभी जनता पार्टी तो कभी समाजवादी पार्टी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने कुछ हासिल नहीं किया। जिसको आपने वोट दिया उनको आपने लखनऊ की गद्दी पर बैठा दिया तो कभी आपने दिल्ली में बैठा दिया। उन्होंने कहा कि आपने अपना वोट जिन्हें दिया वो तो आपकी दुआओं से कामयाब हो गए और सब मिलकर आपको बर्बाद करने की कोशिश करने लगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि 25 तारीख के दिन आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। PDM इसलिए बनाया गया है ताकि पिछड़ा और मुसलमानों की एक सियासी ताकत उत्तर प्रदेश में उभरे। PDM इसलिए बनाया गया है ताकि पिछड़ा और मुसलमानों की एक सियासी ताकत उत्तर प्रदेश में उभरे। जब एक सियासी खाई को पाट कर एक लीडर नहीं निकलेगा तब तक हम सिर्फ वोट देने वाले बनकर रह जाएंगे। कहा कि हम एक ATM की मशीन बन चुके हैं जिसमें कोई भी आकर पासवर्ड बदल देता है। मैं कह रहा हूं कि आप महिमा पटेल के लिफाफे के निशान पर मत देकर साथ दीजिए। यह असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का है। कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, उम्मीद की बुनियाद पर आप वोट दीजिए। वोट आपकी अमानत है, याद रखिए और इसका सही इस्तेमाल करिए। यकीनन तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। बता दें कि अपना दल पार्टी की नीत और समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल अब PDM के जरिए लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशियों को हराएंगी। समाजवादी पार्टी के PDA के मुकाबले पल्लवी की पिछड़ा दलित व मुस्लिम नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश है। इसके लिए उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाया।